रानिया चाय। थैंक यू, ये तो रखते हैं, अभी मैं बिजी हूँ। अरे पी लो, ठंडी हो जाएगी। और ये सामान किस खुशी में पैक हो रहा है? मैं वापस जा रही हूँ। तुम वापस जा रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं? आपको क्यों बताती? क्योंकि मैं भी तो बोर हो गया हूँ यहाँ पे। मैं काम करता हूँ, अभी जाता हूँ अम्मा जी के पास और साफ साफ कह देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे और मजीद दिन रुकना है तो आप रुकें, भाई मैं तो चला। आपको जाना है तो शौक से जाए, लेकिन मैं आपके साथ हरगिज वापस नहीं जाऊंगी। वाह भाई वाह, मेरे साथ आ सकती हो लेकिन वापस नहीं जा सकती, क्यों? तब मियाँ जी की बीमारी ने परेशान कर दिया था, इसलिए आना पड़ा। अब वो बेहतर है और अपने बेटे के साथ खुश भी, तो मैं तो जा रही हूँ। रानिया तुम ऐसी बातें कब से करने लगी? अरे तुम तो दूसरों के मामले सेट करती थी, क्या हुआ अपना ही मामला सेट नहीं हो रहा? क्योंकि मैं ये मामला सेट करना चाहती ही नहीं, सुन लिया आपने? अजीबो गरीब लड़की हो यार, तुम्हें समझना जो है ना वो इंतहाई मुश्किल तरीन काम है दुनिया में। हाँ तो किसने कहा है रिसर्च करें मेरे पे? यार रानिया तुम्हें किसी और की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। आपको तो है ना, तो जाकर उनसे कहें कि आज से आपको अपनी बेटी समझें। लहौला वाला कुवत, तौबा करो। फीलिंग्स की कौन बात कर रहा है, मैं तो अपनी फीलिंग्स की बात कर रहा हूं। आपकी फीलिंग्स, आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। बात बात पर ईगो हर्ट हो जाती है और आवाज उठाते हैं तो सिर्फ अपने हक के लिए, कुछ भी करते हैं तो सिर्फ अपने वजूद के लिए, अपने फायदे के लिए। मुझे आप जैसे इंसान पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। आई समझ? तुम वाकई मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? जी, मैं आपके बारे में ऐसा ही सोचती हूँ और ये राय नहीं बदलेगी। तुम शर्त हार चुके हो माहिर, जाओ जाकर दोस्तों में अपनी हार सेलिब्रेट करो, क्योंकि रानी आए मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आई।